हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। सो वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 12th of August 2020। 12 अगस्त 2020 का कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। बिफोर वी स्टार्ट, दोज हु वांट टू जॉइन द यूपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज जो कि 16 अगस्त से स्टार्ट होगी, यू कैन जॉइन अस फ्रॉम द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो। आज शाम में मैं एक लाइव सेशन रखूंगा जिसमें मैं टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से आपको वीडियो अपलोड करना है और किस तरीके से आपको कॉपीज लिखनी है, अपलोड कैसे करनी है, कहाँ पे आपको डिटेल्स मिलेंगी जिन्होंने ज्वाइन किया है। ये सारी चीज़ें मैं आज शाम को आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 9 o'clock आई विल बी लाइव। तो उस 9 o'clock जो शाम में सेशन होगा उसमें मैं आपको पूरा टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताऊंगा और दूसरी बातें भी अपन करेंगे रिगार्डिंग द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ठीक है ना। So that will be the thing. And those who want to join our UPSC CSAT channel, वो भी नीचे CSAT channel की भी लिंक दी है। That's a different channel जिसमें CSAT की हम बात करते हैं। इस channel में हम CSAT की ज़्यादा चीज़ें नहीं करते हैं, but there is a different channel जिसमें CSAT के बारे में पूरी जानकारी रहेगी। And we are slowly increasing the content of that channel as well। उसमें हिंदू की vocabulary, CSAT के related चीज़ें, ये सारी चीज़ें available रहेंगी। So you can join that as well. सो लेट स्टार्ट। एंड जिसको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ डू लाइक इट फ्रॉम योर सेल्फ। इफ़ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अपने तरफ से। सो लेट स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हैबिटेट मॉडल ऑफ एफिशिएंसी एंड कंफर्ट। हैबिटेट मॉडल ऑफ एफिशिएंसी एंड कंफर्ट ऑफन सीन इन न्यूज़ इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन का है ये इनिशिएटिव, द हैबिटेट मॉडल फॉर एफिशिएंसी एंड कंफर्ट। ऑप्शंस आर एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर टू इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सब कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट ये कौन से डिक्लेरेशन से रिगार्डिंग है, ठीक है ना। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज द सक्सेसर इंस्ट्रूमेंट टू द ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन। ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन का ये सक्सेसर है फ्रॉम 2005 to 2015। सेकेंड है इट इज द ग्लोबल रोडमैप फॉर रिड्यूसिंग ह्यूमन एंड इकोनॉमिक लॉस एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द डिजास्टर। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है यूएन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इज टास्क्ड टू सपोर्ट इन द इम्प्लीमेंटेशन फॉलोअप एंड रिव्यू ऑफ द एग्रीमेंट, आइडेंटिफाई दैट द एग्रीमेंट दैट करेक्टली मैचेस द अबव डिक्लेरेशन। ऑप्शंस आर ए एजेंडा 21, बी योकोहामा डिक्लेरेशन, सी हांगकांग कन्वेंशन, या डी नन ऑफ द अबव। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर थ्री इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू हाउस अरेस्ट। हाउस अरेस्ट के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट्स दिया, बताना है कौन सा सही कौन सा गलत। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द कंसेप्ट ऑफ हाउस अरेस्ट इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द क्रिमिनल लॉ मैनुअल। सेकंड स्टेटमेंट इज सेइंग द स्टेट इज एम्पावर्ड टू डिक्लेयर अ बिल्डिंग और अ हाउस एज अ सब जेल। थर्ड इज द रेसिडेंट ऑफ अ सब जेल इज ऑटोमेटिकली एंड अनडिनाइबली अंडर डिटेंशन। तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। ऑप्शंस आर ए वन ओनली, बी टू ओनली, सी थ्री ओनली, या डी वन टू एंड थ्री। तो दीज आर द थ्री क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके एंड काफी अच्छे टॉपिक्स आपको जाएंगे। लास्ट में हम एंड में आंसर डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट यू शुड अटेम्प्ट द क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड। Then the first news is Putin declares world's first COVID-19 shot. तो वर्ल्ड का पहला COVID-19 shot व्लादिमिर पुतिन ने declare कर दिया है। So President Vladimir Putin has said that Russia had become the first country to grant regulatory approval to a COVID-19 vaccine. Okay? तो regulatory approval for the first COVID-19 vaccine के लिए approval मिल गया है from the व्लादिमिर पुतिन। The vaccine will be named as Sputnik 5. इसको Sputnik 5 नाम दिया गया है। Basically he wants to correspond that कि जैसे स्पेस में स्पुतनिक के थ्रू उन्होंने स्टार्टिंग की थी वैसे ही दे आर स्टार्टिंग। ये सब कल उन्होंने ट्वीट भी किया था कि एज वी लेड द वर्ल्ड इन द स्पेस प्रोग्राम जो स्पुतनिक के साथ, जो स्पुतनिक उनका था, तो जैसे ही उन्होंने स्पेस प्रोग्राम में स्पुतनिक लॉन्च किया था वैसा ही उन्होंने ये स्पुतनिक 5 लॉन्च किया है इन द मास्क फ्री वर्ल्ड, फॉर द मास्क फ्री वर्ल्ड, है ना। तो स्पुतनिक 5 रहेगा, इट विल बी होमेज टू द वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय द सोवियत यूनियन। ओके, वर्ल्ड की जो पहली सैटेलाइट थी सोवियत यूनियन द्वारा लॉन्च की गई थी, स्पुतनिक नाम की थी, उसी को ट्रिब्यूट देने के लिए बेसिकली ये जो है। Now this is the thing. The Moscow's decision to grant approval before then has raised concerns about some experts. अब क्या है? Final trials बहुत सारे complete नहीं किए हैं इस वैक्सीन ने and उसके पहले ही approval दे दिया गया है, इसीलिए काफी लोग इसके ऊपर concerns भी raise कर रहे हैं। And कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि only about 10% of the clinical trials
आर सक्सेसफुल एंड साइंटिस्ट फियर मॉस्को में भी पुटिंग नेशनल प्रेस्टीज बिफोर सेफ्टी। तो उन्होंने कहा कि रशिया जो है हो सकता है नेशनल प्रेस्टीज को पहले रख रही है और सेफ्टी ज़्यादा। मुझे कई बार ये भी लगता है कि कई लोग जो दूसरे एक्सपर्ट्स के नाम से, जो एक्सपर्ट्स मैं बताता हूँ एक्सपर्ट कैसे लिखा जाता है, ये वाले एक्सपर्ट्स हैं, दे आर सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स, दे आर नॉट एक्सपर्ट्स, दे आर सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स, एंड व्हाट दे डू इज दैट कि ये किसी ना किसी कंट्री द्वारा ये ब्रांडेड रहते हैं, दे आर ब्रांडेड बाय सम कंट्रीज। अब जैसे कुछ कंट्री हैं जो नहीं चाहती होंगी कि रशिया कोई भी वैक्सीन लाए, सो देयर फोर दे हैव लेड देयर एक्सपर्ट्स टू स्टार्ट गिविंग द ओपिनियंस एंड ऑल। ओके, सो यही वाली बात है कि एक्सपर्ट्स अंडर द इन्वर्टेड कॉमास हैं ये लोग, एंड कई बार ये अपने बेनिफिट के लिए, अपने कमर्शियल बेनिफिट के लिए भी, दूसरे कमर्शियल बेनिफिट के लिए भी ये ऐसे एक्सपर्ट कमेंट देते रहते हैं। तो वो हमको देखना पड़ेगा कि कितनी सच्चाई है किस एक्सपर्ट कमेंट के अंदर, है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं जिनको हमको डिस्कस करना है। आज के एडिटोरियल्स अच्छे नहीं थे, आई फाउंड दैट, कि मैं आपको बताऊंगा आगे। देखते हैं और कुछ न्यूज़ आइटम है क्या, यहाँ पे कोई न्यूज़ नहीं है, सो लेट्स स्टार्ट एडिटोरियल में आएंगे। देखते तो फियर ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म, ये जो आर्टिकल है फियर ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म, इसके बारे में हम कुछ चीज़ देख लेंगे पहले। ये जो आर्टिकल लिखा गया स्टार्ट हुआ है, ये स्टार्ट हुआ है आपके बाबरी मस्जिद के डिमोल्यूशन के थ्रू, बाबरी मस्जिद का डिमोल्यूशन उसमें लिखा गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले ऑथर ने कहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म इज मार्क्ड बाय एटलीस्ट टू फीचर्स। जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म है उसके दो फीचर्स हैं सब उसके। फर्स्ट जो है क्रिटिकल रिस्पेक्ट फॉर ऑल द रिलीजन्स, क्रिटिकल रिस्पेक्ट फॉर ऑल द रिलीजन्स, मतलब कि देखो क्या कुछ कंट्री कहती हैं, कुछ कंट्रीज जो रहती हैं वो बिल्कुल नॉन रिलीजियस रहती है, मतलब वो क्या करती हैं किसी भी रिलीजन के लोगों को कोई भी चीज़ें फॉलो नहीं करने देती। फॉर एग्जांपल जो फ्रांस है वो स्ट्रिक्टली ऐसी कंट्री है जहाँ पे दूसरी कंट्रीज के लोग अपने से, जैसे जो ज्यूस हैं वो सर पे जो पहनते हैं वो उनको नहीं पहनने दिया जाता, शोकेस आप नहीं कर सकते। बट इंडिया एक ऐसी कंट्री जहाँ पे इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल द रिलीजन्स है, ओके, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल द रिलीजन्स। आवर कंट्री इज नॉट ब्लाइंडली एंटी रिलीजियस बट वी रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स इक्वली, ओके, हम सारे रिलीजन्स को इक्वली इंपॉर्टेंस देते हैं एंड इक्वली ही रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है ना। ये डिफरेंस भी है जो हमारे सेक्युलरिज्म है, इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म का, जो वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म है उसका ये डिफरेंस भी है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस भी है। हाउएवर गिवन द वर्चुअल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्टिंग्विशिंग द रिलीजियस फ्रॉम द सोशल, बी आर अम्बेडकर फेमसली ऑब्जर्व्ड every aspect of religious doctrine or practice cannot be respected, respect for religion must be accompanied by critique as well. लेकिन B.R. Ambedkar ने कहा है कि हर aspect, हर religion का हम उसको respect नहीं कर सकते, we have to be selective in that and we should respect only for the good habits and we should criticize also the bad habits of the religions and respect must be accompanied by the critique also. That, इसका मतलब क्या है कि इट फॉलोज दैट अवर स्टेट मस्ट रिस्पेक्टफुली लीव रिलीजन अलोन बट ऑल्सो इंटरवीन वेन एवर द रिलीजियस ग्रुप प्रमोट कम्युनल डिसहारमोनी और डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो इंडियन सेक्युलरिज्म है उसका बेसिकली बहुत अच्छा एस्पेक्ट ये भी है जो बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि रिस्पेक्ट मस्ट बी एकम्पनीड बाय द क्रिटिक। इसका मतलब क्या है कि हम रिस्पेक्ट तो करते हैं लेकिन साथ ही अगर कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो कि कम्युनल डिसहारमोनी को प्रमोट कर रही है या कुछ डिस्क्रिमिनेशन कर रही है ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, देन वी शुड इंटरवीन ऑल्सो। तो यही इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म है कि हमको इंटरवीन तभी करना है जब वो इस तरीके कोई चीज करती है जो कि डिस्क्रिमिनेट करे, ओके। देयरफॉर एंड दिस इज इट्स सेकंड फीचर एज वेल। पहला हमने क्या बोला, पहला फीचर क्या था इंडियन उसका सेक्युलरिज्म का, कि हम हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं। बट इंडिया जो है वो स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं रखता है, इंडियन स्टेट अबैंडन्स द स्ट्रिक्ट सेपरेशन बट कीप्स अ प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द रिलीजन। याद रखेगा कि हम स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट नहीं रखते हैं, इंडिया डज नॉट बिलीव इन स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। वॉट वी डू इज दैट वी कीप अ प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस फ्रॉम दिस, वी कीप अ प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस विद इट, ओके। जैसे कि अब एग्जाम्पल ले लो, फॉर एग्जाम्पल इट कैन नॉट टॉलरेट अनटचेबिलिटी और लीव इन ऑल पर्सनल लॉज एज दे आर।
Equally, it may be not preferentially subsidize schools run by religious communities. That thus is it has to constantly decide when to engage and when to disengage. तो ये एक beauty है Indian secularism की कि हमको ये चीज समझनी पड़ेगी कब engage करना है, कब हमको उससे अलग रहना है, ठीक है ना? So that is the thing which is important and यही आपको याद रखना है कि ये Indian secularism क्या है, ठीक है ना? आगे दूसरा आर्टिकल देखें, इस आर्टिकल में ज्यादा चीजें और नहीं थी, ओके? आप एक बार पढ़ के देख लेंगे तो भी आपको कुछ ऐसा खास नहीं मिलेगा। दूसरा जो आर्टिकल है वो है इंडियाज पॉपुलेशन डेटा एंड द टेल ऑफ टू प्रोजेक्शंस। बाकी देखो मैं आपको दिखा देता हूं, जस्ट क्लोजर जो आर्टिकल है ये इटालियन जो उसके थ्रू जो मेडाइनस किल हुए थे उसके बाद जो केस क्लोज हुआ है उसके बारे में ये आर्टिकल है। राजस्थान लेसन्स मैंने ऑलरेडी आपको कई बार बता दिया है कि क्या की हो तो होलहन केस है, क्या बोला गया था, किस तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन करने से पहले स्पीकर के वो नहीं जा सकता है केस इन द जुडिशरी, यही सारे इश्यूज थे तो ये यहाँ पे आया था, ठीक है ना? इंडियाज पॉपुलेशन डेटा एंड द टेल ऑफ टू प्रोजेक्शंस, इसमें हम देखेंगे तो लैंसेट ने रिसेंटली ये भी प्रिपेयर की है और द लैंसेट एंड प्रिपेयर्ड बाय द सिएटल बेस्ड इंस्टीट्यूट, सिएटल बेस्ड इंस्टीट्यूट है जिसको बोलते हैं हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवोल्यूशन, ओके, इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवोल्यूशन। उसने अभी एक डेटा दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया की जो पीक पॉपुलेशन रहेगी वो मिड ऑफ द 21st सेंचुरी रहेगी, लेकिन बाय द एंड ऑफ द 21st सेंचुरी हमारी पॉपुलेशन बहुत कम हो जाएगी, अभी से भी ज़्यादा कम हो जाएगी, अभी से भी ज़्यादा कम हो जाएगी, ठीक है ना? मतलब नियरली 1.09 बिलियन या फिर हो सकता है 724 मिलियन हो जाए, तो ऐसा उन्होंने कहा है। अब ऑथर ने यहाँ पे ये कहा है कि जो IHME का डाटा है यानी कि जो इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड एनालिसिस है, हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवेल्यूएशन है, उसका जो डेटा है वो बहुत सारे अंडरलाइंग अजम्पशंस लेकर के चलता है। फॉर एग्जांपल अभी उन्होंने ये अजम्पशन लिया है कि जो वुमेन का टोटल फर्टिलिटी रेट रहेगा वो नियरली 1.29 रहेगा, 1.29 रहेगा, एंड जो कि हमारे जो पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट रेट है, मतलब पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है, मतलब कि वो फर्टिलिटी रेट जिसमें एग्जैक्टली हम प्रेजेंट पॉपुलेशन को रिप्लेस कर देंगे वो नियरली 2 है, जो पॉपुलेशन फर्टिलिटी रेट है, पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट रेट है वो 2 होना चाहिए, लेकिन जो इंडिया का रहेगा वो 1.29 रहेगा। अब अगर 1.29 रहेगा तो मतलब कि पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट रेट से कम रहेगा, तो मतलब टोटल आप पॉपुलेशन को रिप्लेस नहीं कर पाओगे, इसलिए आपकी जो पॉपुलेशन रहेगी वो कम हो जाएगी, योर पॉपुलेशन विल डिक्रीज आफ्टर द मिड ऑफ द 21st सेंचुरी, ठीक है ना? अगर हम मिड तक के डेटा की बात करें तो मिड तक का डेटा जो है वो यूनाइटेड नेशन के प्रोजेक्शन से भी मैच करता है। यूनाइटेड नेशन ने बोला है कि हमारा मिड में 2050 में जो पॉपुलेशन रहेगी 1.64 बिलियन रहेगी। IHME बोलता है कि 1.61 बिलियन आपकी 2048 में हो जाएगी। इट इज द सेकेंड हाफ जिसमें कि हमारी पॉपुलेशन अलग अलग आ रही है। यूएन का कहना है कि आपकी इंडिया की पॉपुलेशन घटेगी जरूर, लेकिन वो 1.45 बिलियन रहेगी बाय 2100, एंड IHME का कहना है कि 1.09 बिलियन हो जाएगी, मतलब और बहुत ज्यादा कम कर दिया IHME ने, ठीक है ना? अब देखो डाइवर्जेंस क्यों आ रहा है, व्हाई दिस डाइवर्जेंस इज कमिंग बिटवीन द यूएन एंड IHME डेटा। तो इसलिए डाइवर्जेंस आ रहा है कि IHME डेटा जो है वो बहुत ज्यादा रिलाई कर रहा है ऑन द करंट कॉन्ट्रासेप्टिव यूज एज सजेस्टेड बाय द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने जो भी बोला है कॉन्ट्रासेप्टिव यूज के रिगार्डिंग, उसको उस डेटा को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करता है IHME, और वो ये बोल रहा है कि आपका जो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज है फ्यूचर में और ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। लेकिन रिसर्च के थ्रू ये पता चला था कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का कॉन्ट्रासेप्टिव यूज का डेटा है दैट इज पुअरली एस्टिमेटेड, दैट इज वेरी पुअरली एस्टिमेटेड, एंड देयरफॉर एज अ रिजल्ट ऑफ दिस जो एक्सेसिव डिपेंडेंस है ऑन दिस कॉन्ट्रासेप्टिव डेटा बाय द IHME, उसी कारण से ये डाइवर्जेंस आ रहा है, उसी कारण से जो IHME का डेटा है वो UN के डेटा से मैच नहीं कर रहा है एंड वो डाइवर्जेंस आ रहा है, ठीक है ना? आपको मैंने ये चीजें बता दी ना कि क्या होता है टोटल फर्टिलिटी रेट, मतलब कि एक वुमेन कितने चाइल्ड एक्सपेक्ट कर सकती है, ठीक है ना, कितने चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रही है, तो वो टोटल फर्टिलिटी रेट के अंतर्गत आता है। तो अभी हमारा जैसे अगर हम देखा जाए डेटा तो बहुत 1950s के आसपास ये डेटा था, नियरली 6 for 2 वुमेन, मतलब 6 for 2 वुमेन था, एंड धीरे धीरे वो TFR घटने लगा एंड अभी वो 2.2 है। टुडे द फर्टिलिटी रेट इज 2.2, टोटल फर्टिलिटी रेट इज 2.2, एंड 2 जो है वो हमारा
आपका पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट रेट है, याद रखिएगा 2 जो है वो हमारा पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट रेट है। पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट अभी 2 है, इसका मतलब कि कितने मतलब कि एक महिला कितने बच्चों को जन्म दे कि जो करंट पॉपुलेशन है उसको टोटली आप रिप्लेस कर सकें। तो टोटली रिप्लेस करने के लिए 2 चाहिए, है ना, लेकिन अभी चल रहा है 2.2, इसी कारण 2050 तक ये पॉपुलेशन बढ़ेगी, लेकिन 2050 के बाद जो TFR है वो 2 से कम हो जाएगा, मतलब कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो रहेगा आपका वो पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट रेट से कम हो जाएगा और तब हमारी पॉपुलेशन फिर घटना शुरू होगी, ठीक है ना। अब ये ऑथर ने कहा कि जो फर्टिलिटी रेट डिक्रीज हो रहा है इसका रीजन जो है दैट इज रिलेटेड टू द सक्सेस ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन इंडिया। जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम थे इंडिया के वो काफ़ी सक्सेसफुल थे एंड दैट इज द रीजन वाई ये हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट डिक्रीज हुआ है। लेकिन फैमिली प्लानिंग जो थी इंडिया में, फैमिली प्लानिंग जो सक्सेसफुल हुई वो 1994 तक ही सक्सेसफुल थी। 1994 के बाद अगर हम देखें तो फैमिली प्लानिंग के जो टारगेट्स थे वो बिल्कुल हटा दिए गए एंड कायरो कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट हुई थी 1994 में। देखो यहाँ पे लिखा भी है, फॉलोइंग द कायरो कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट इन 1994 दीज टारगेट्स वर अबैंडन्ड, ये टारगेट्स अबैंडन्ड भी कर दिए गए, ठीक है ना। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि फैमिली प्लानिंग जो थी सक्सेसफुल थी लेकिन 1994 में कायरो कॉन्फ्रेंस होती है उसके बाद से फिर ये ज्यादा इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती है। फिर उसके बाद देखो, अब देखो इसके बाद फैमिली प्लानिंग काम नहीं की तो उन्होंने बोला पनिशमेंट प्यूनिटिव पॉलिसीज आ गए। प्यूनिटिव पॉलिसीज मतलब कि बोला गया कि तीसरे बच्चे के लिए आपको मैटरनिटी बेनिफिट्स नहीं दिए जाएंगे। इवन ये बोला गया अब तो गवर्नमेंट में नियम है कि 3 बच्चे अगर होंगे तो आपको गवर्नमेंट जॉब ही नहीं मिलेगी। देन इसके बाद आपको मैटरनिटी स्कीम के लिमिटेड बेनिफिट्स रहेंगे एंड लेकिन ये सारी चीज़ों के ऊपर एक कमेटी बनी थी जिसमें चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश की फॉर्मल जो निर्मला बुच है उन्होंने कहा था कि दीज पॉलिसीज वर मोस्टली इग्नोर्ड बाय द इग्नोर्ड इन द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में ये सारी जो पॉलिसीज हैं इनको इग्नोर कर दिया जाता है, इनको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। एस्पिरेशनल रिवोल्यूशन, अब यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि अगर पॉलिसीज पब्लिक पॉलिसीज भी काम नहीं कर रही हैं और प्यूनिटिव पॉलिसीज भी काम नहीं कर रही हैं तो इंडिया में क्यों इतनी मतलब अब फैमिलीज कम होती जा रही है, छोटी फैमिलीज क्यों होती जा रही हैं, ठीक है ना। तो इसका ऑथर ने बोला है कि इट इज़ हाईली प्रोबेबल दैट द सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया सिंस 1919 हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। तो इसका जो रीज़न है वो है सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। इवन अगर आप ज्योग्राफी अगर आपने पढ़ी है थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़िए या फिर अगर आप ऑप्शनल हो तो उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जो कंट्रीज़ का डेवलपमेंट लेवल होता है उसमें भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है ना। अगर आपने पढ़ा है कि पॉपुलेशन ट्रांसफॉर्मेशन जो थ्योरीज है उसमें ये चीज़ बताया जाता है कि अलग अलग स्टेज में अलग अलग पॉपुलेशन रही है। एग्रीकल्चरल स्टेज में क्या पॉपुलेशन का स्टेटस रहता है, बाद में जब डेवलपमेंट हुआ तो क्या पॉपुलेशन का स्टेटस हुआ, फिर उसके बाद जब मेडिकल डेवलपमेंट हुआ तो क्या स्टेटस हुआ, और जो कंट्री का डेवलपमेंट होता है तो क्या स्टेटस रहता है। तो पूरा एक ग्राफ बनता है, मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊँगा उसको क्योंकि फिर ज़्यादा ऑप्शनल वाली चीज हो जाती है। बट अगर आपने पढ़ी है थोड़ी सी पढ़ी अच्छे से ज्योग्राफी या अगर आपने 12th क्लास की पॉपुलेशन ज्योग्राफी वाली चीज पढ़ी तो आपको पता होगा कि कंट्रीज के डेवलपमेंट पे जैसे जैसे उस कंट्री का सोशल इकोनॉमिक स्टेटस डेवलप होता है ऑटोमेटिकली वो जो कंट्रीज रहती है उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। सो एग्रीकल्चर अभी जो एक ट्रांसफॉर्मेशन शिफ्ट है वो है एग्रीकल्चर बिकेम एन इंक्रीजिंगली स्मॉलर पार्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। स्कूल्स एंड कॉलेजेस एनरोलमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, एजुकेशन का लेवल बढ़ता जा रहा है एंड गवर्नमेंट जॉब मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर companies they have reaped tremendous financial benefits. Not surprisingly parents have begun rethinking their family building strategies. अपनी फैमिली को कैसे बिल्ड करना ये भी पेरेंट्स अब सोचने में मजबूर हो गए हैं और वो सोचने लगे हैं अगर कम बच्चे रहेंगे तो ज़्यादा वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा वो स्टोर कर सकते हैं। जब एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी या जब लेबर डोमिनेंट सोसाइटी थी तब पॉपुलेशन का बढ़ना ज़रूरी है, जैसे मार्क्स ने कहा है। कार्ल मार्क्स का अगर मैं आपको बताऊँ तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि जब लेबर्स थे, अब लेबर्स की पॉपुलेशन क्यों बढ़ती है मतलब पॉवर्टी क्यों पॉपुलेशन को इंक्रीज कराती है, उसका रीज़न बेसिकली मार्क्स ने दिया अपनी थ्योरी में, पॉपुलेशन की थ्योरी में जो उनकी थ्योरी है। तो उसका ये कहना है कि देखो व्हाट हैपेंड इज दैट उनको पता था कि जितने ज़्यादा हाथ रहेंगे, मोर द वर्किंग हैंड मोर इज़ द इनकम ऑफ द फैमिली। ये सोच थी उस समय जो लेबर्स थे उनकी, ये सोच आ गई कि जितने ज़्यादा वर्किंग हैंड रहेंगे उतने ज़्यादा आपके पास मतलब पैसा आएगा, फैमिली की स्टेटस बढ़ेगी। बट उन्होंने ये नहीं समझा कि जितने ज़्यादा वर्किंग हैंड बढ़ेंगे, मोर द वर्किंग हैंड मोर इज़ द सप्लाई ऑफ लेबर एंड मोर इज़ द सप्लाई ऑफ लेबर लेस इज़ द
वेज ऑफ द लेबर. तो ये चीज वो नहीं समझ पाए और यही चीज मार्क्स ने बोली है कि हाउ पॉवर्टी इट गिव्स वे टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड देन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन गेव फर्दर वे टू मोर पॉवर्टी, है ना, और ज्यादा एक्सट्रीम पॉवर्टी फिर देती है. तो ये चीज वर्किंग पॉपुलेशन को क्या लगा कि जितने ज्यादा हमारी फैमिली में हाथ बढ़ेंगे उतने ज्यादा पैसे आएंगे, बट वो ये भूल गया कि ऐसा तो हर लेबर सोच रहा है. और जब हर लेबर इसी चीज में लगा हुआ है कि और ज्यादा वर्किंग हैंड बढ़े, मतलब और ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज करे वो अपनी फैमिली की, इससे क्या होगा कि लेबर की जो थी वो सप्लाई ज्यादा होगी. एंड वेन द लेबर सप्लाई इंक्रीज योर वेज डिक्रीज, और जब वेज डिक्रीज पॉवर्टी इंक्रीज. तो ये आपकी, मैंने आपको एक तरह से मार्क्सियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन भी आपको यहाँ पे बता दिया. दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, बेसिकली ज्योग्राफी मार्क्सियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है. बहुत सारी थ्योरीज जैसे मैलथूजियन थ्योरी है, मार्क्सियन थ्योरी है, तो ये मार्क्सियन थ्योरी यही वाली है, ठीक है ना. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द मार्क्सियन पॉपुलेशन थ्योरी. यही सारी चीज़ इसमें मेंशन किया गया. सो दैट वॉज इन दिस आर्टिकल. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द आर्टिकल एज वेल. From locker rooms to classroom, ये जो basically है from locker rooms to classroom, ये basically जो gender equality की चीज़ें हैं वो सिर्फ locker room में नहीं रहनी चाहिए और उनको classroom तक लाने की ज़रूरत है. यहाँ पर basically ये line लिखी है, देखो, many schools should adopt school related gender based violence programs and curriculum. Schools को चाहिए कि वो adopt करें gender based violence programs and curriculum, ताकि जो conversations हैं इस तरीके के gender based violence को लेकर के या women equality को लेकर के, gender राइट्स को लेकर के, वो लॉकर रूम से निकल करके अब हेल्दी डिस्कशंस में कन्वर्ट हो जाए इन द क्लासरूम्स, ठीक है ना. कोविड 19 में हमने देखा कि वुमेन्स की जो चैलेंजेस थे वो और ज्यादा बढ़ गए, डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस थे वो बढ़ गए, साइबर क्राइम्स जो थे वो भी बढ़ गए, एंड इट हैज मेड गर्ल्स एंड वुमेन मोर वल्नरेबल एज द स्ट्रगल टू फाइट अनदर पैंडेमिक ऑफ वायलेंस एंड अब्यूज असाइड देयर होम्स एंड ऑनलाइन. तो एक तरीके से एक दूसरा पैंडेमिक भी वो फेस कर रही है जिसको जेंडर वायलेंस या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है, साइबर क्राइम, साइबर बुलिंग, ये सारी चीजें वुमेन फेस कर रही है. एंड दैट इज द थिंग, यूनेस्को, यूनिसेफ, यूएन वुमेन, यूएनएफपीए एंड साउथ एशिया फाउंडेशन हैव जॉइंड हैंड रिसेंटली टू सपोर्ट नंदिता दास इन द प्रोडक्शन एंड लॉन्च ऑफ द शॉर्ट फिल्म लिसन टू हर. अब नंदिता दास की एक मूवी है लिसन टू हर, जिसके लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जिसको मैंने नाम लिया आपको, वो सारे ने हाथ मिला लिए हैं और बेसिकली दे आर हेल्पिंग दैट एंड दे वॉन्ट द इशू टू कम अप इन फ्रंट ऑफ द पीपल. एंड लोगों को इन्होंने एक तरह से इंकरेज कर रहे हैं दैट यू शुड स्पीक अप, वुमेन शुड स्पीक अप. इसके अलावा और भी इन ज़्यादा इनिशिएटिव्स हैं. फॉर एग्जांपल, एक इनिशिएटिव की बात यहाँ पे, यूनेस्को ने एक इन्फॉर्मेशन बुकलेट निकाली थी, सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड 19. ओके, सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड 19 बाय द यूनेस्को. याद रखिएगा, यूनेस्को की बुकलेट है सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन टाइम ऑफ कोविड 19 एंड इट कैन बी यूज फॉर, इट कैन बी अ यूजफुल रेफरेंस बुक, है ना, कि किस तरीके से आप ऑनलाइन सेफ रह सकते हो. देन द बुकलेट हैज बीन डेवलप्ड इन पार्टनरशिप विद द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT के साथ ये बनाई गई है. एंड इट सपोर्ट द क्रिएशन ऑफ सेफ डिजिटल स्पेसेस एंड एड्रेसेस नुआंसेस ऑफ प्राइवेसी. तो सेफ, किस तरीके से आप डिजिटल स्पेसेस को सेफली यूज कर सकते हो एंड प्राइवेसी की जो दूसरे नुआंसेस हैं उनके बारे में ये बुकलेट है. देन इसके अलावा अगर हम देखें तो जो प्री एग्जिस्टिंग नॉर्म्स थे मैस्कुलिनिटी को, उसको भी रिप्लेस करने की जरूरत है इवन इन द सोसाइटी. इन द, इसमें बहुत बड़ा रोल स्कूल कम्युनिटी, सोसाइटी, सिविल सोसाइटी, ये सब प्ले कर सकती है. इसमें एक एक्शन है, एक्शन फॉर इक्वालिटी, एक्शन फॉर इक्वालिटी प्रोग्राम है, याद रखिएगा, एक्शन फॉर इक्वालिटी प्रोग्राम. अब ये जो लॉन्च किया गया है, आई थिंक द इक्वालिटी फाउंडेशन ने लॉन्च किया है. एक्शन फॉर इक्वालिटी प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द इक्वल कम्युनिटी फाउंडेशन. इक्वल कम्युनिटी फाउंडेशन, उसने लॉन्च किया है एक्शन फॉर इक्वालिटी प्रोग्राम. इक्वल कम्युनिटी फाउंडेशन ने लॉन्च किया है. तो दे हैव ट्रेंड ओवर 130 एजुकेटर्स अक्रॉस इंडिया ऑन हाउ टू इंगेज बॉयज टू अचीव जेंडर इक्वालिटी. ओके, किस तरीके से लोगों को इंगेज कर सकते हैं टू अचीव जेंडर इक्वालिटी थ्रू एजुकेशनल इंटरवेंशन, एजुकेशनल इंटरवेंशन के थ्रू. एट द कोर ऑफ दिस इनिशिएटिव इज अ कम्युनिटी बेस्ड बिहेवियरल चेंज दैट प्रोग्राम डिजाइंड टू प्रोवाइड यंग बॉयज विद द स्किल एंड नॉलेज दे नीड टू चैलेंज द एग्जिस्टिंग जेंडर नॉर्म्स. तो जो एग्जिस्टिंग जेंडर नॉर्म्स हैं उनको चैलेंज करने के लिए जो ये मेल एजुकेटर्स हैं ये बेसिकली ट्रेन करते हैं और इनके जो एग्जिस्टिंग नॉर्म्स हैं उनको चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना. तो वही सारी चीजें कि अब ये जो चीजें हैं
और ज़्यादा मेन स्ट्रीम होनी चाहिए, है ना। फ्रॉम राइट गर्ल टू मी टू एंड अदर एक्शंस, इट इज़ फेयरली एविडेंट दैट ग्लोबल मूवमेंट्स टूवर्ड जेंडर इक्वलिटी एंड द इरेडिकेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन आर हेयर टू स्टे एंड होपफुली ग्रो। ऑथर का कहना है कि बिल्कुल मी टू जैसे मूवमेंट एंड राइट गर्ल जैसे मूवमेंट जो है ये और ज़्यादा होने चाहिए, और ताकि जो मेन स्ट्रीम में ये चीज़ें नहीं आ पाती वो मेन स्ट्रीम में आए, और जो कम्युनिटीज़ इससे बची हुई हैं और ये चीज़ें अभी भी जिसमें आप वो चल रहा है इसको स्टॉप करने की ज़रूरत है। तो ये यूनेस्को के एरिक फाइल्ट जो कि डायरेक्टर ऑफ यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव टू भूटान इंडिया एंड मालदीव श्रीलंका है, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा था, इसको भी याद रखिएगा। द इक्वल कम्युनिटी फाउंडेशन इन्हीं का पार्टनर है। नाउ लैंग्वेज अ क्राइटेरिया फॉर CISF एयरपोर्ट सिक्योरिटी ड्यूटी। अब CISF की जो सिक्योरिटी ड्यूटी रहेगी एयरपोर्ट्स में, उसमें एक कंडीशन ये डाल दी जाएगी कि वर्किंग नॉलेज उस सिक्योरिटी पर्सनल को होना चाहिए ऑफ द लोकल लैंग्वेजेस। CISF के बारे में बताऊं तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म, याद रखेगा प्रेजेंट फॉर्म में, ध्यान से सुनो कि अपने प्रेजेंट फॉर्म में जो बनी है तो वो 1983 में बनी है एज अ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स इन इंडिया। अब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आएगा। बना था ये 10 मार्च 1969 को, जब ये बना था ओरिजिनली तो ये 10 मार्च 1969 में बना था, बट इट वॉज सब्सिक्वेंटली मेड एन आर्म्ड फोर्स ऑफ इंडिया बाय अनदर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास्ड ऑन। ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स बनाया गया बाद में, कब बनाया गया? 15 जून 1983 को। तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स को 1983 15 जून में बनाया गया, अदरवाइज ये बना था 1969 में ही बन गया था, ठीक है ना। इसकी ड्यूटीज़ में आता है जैसे दिल्ली मेट्रो को गार्ड करना, या जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, PSUs हैं, एटॉमिक पावर प्लांट्स हैं, स्पेस इंस्टॉलेशंस हैं, माइंस हैं, ऑयल फील्ड्स हैं, रिफाइनरीज हैं, मेजर पोर्ट्स हैं, हैवी इंजीनियरिंग प्लांट्स हैं, स्टील प्लांट्स हैं, बैरेजेस हैं, फर्टिलाइजर यूनिट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड थर्मल पावर प्लांट्स हैं विच आर ओन्ड बाय द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, करेंसी नोट प्रोसेस है। ये सारी चीज़ों को ये गार्ड करने का काम बेसिकली आपका CISF करती है, तो इसको याद रखिएगा CISF क्या क्या चीज़ें गार्ड करती हैं, ये मैंने आपको बता दिया। आगे मूव करते हैं, फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट गेट 1.3 करोड़ एक्स्ट्रा कंपनसेशन। तो नंबी नारायण जो थे उनको कंपनसेशन दिया गया, 1.3 करोड़ कंपनसेशन हैज बीन गिवन टू हिम, ओके नंबी नारायण को। नाउ अब इसमें क्या है कि इसरो के बारे में आपको बताता हूँ, बाकी क्यों मिला है क्या नहीं मिला है ये जानने की जरूरत नहीं है। इसरो है देखो इसरो की फॉर्मेशन से पहले एक बॉडी थी इनकोस्पार, वो भी बनी क्यों थी? क्योंकि विक्रम साराभाई ने बहुत ज़्यादा स्पेस के एडवांटेजेस बताए, तब जाके इनकोस्पार, जिसको इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च बोलते हैं, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च जो था दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू इन 1962, और ये बना था डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर बनाया गया था इनकोस्पार। फिर उसके बाद विक्रम साराभाई ने और मदद की और मेहनत की, और उसके बाद जाकर के उन्होंने 1969 में इसरो में कन्वर्ट कर दिया इनकोस्पार को, इसरो बनाया गया उसको, इनकोस्पार को कन्वर्ट कर दिया गया इसरो में, ठीक है ना, 1969 में। और 1972 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बनता है, पर 1972 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बनता है तब इसरो को डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत ला दिया जाता है, ठीक है ना। अब बहुत सारे स्पेशलिस्ट इंस्टीट्यूट हैं इसरो के अंदर, तो वो है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो कि VSSC है आपका तिरुवनंतपुरम में, देन लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर है आपका तिरुवनंतपुरम में, सतीश धवन स्पेस सेंटर है आपका श्रीहरिकोटा में, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है, एंड नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर आपका हैदराबाद में है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर आपका हैदराबाद में, ठीक है ना। दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है जिसके बारे में डिस्कस करना है। यू कैन मूव विद मी, ये देखो डिस्कस लोया जिरगा, व्हाट इज दिस लोया जिरगा, इसको भी याद रखना। इंडियन एंड अफगानिस्तान ऑफिशियल्स आर डिस्कसिंग द लोया जिरगा। अब लोया जिरगा क्या है? इट इज द ग्रैंड असेंबली, इसको बोलते हैं ग्रैंड असेंबली, लोया जिरगा और ग्रैंड असेंबली। अभी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने बेसिकली डिसाइड किया दैट दे विल बी रिलीजिंग 400 तालिबान मिलिटेंट्स कन्विक्टेड ऑफ सीरियस क्राइम्स, 400 तालिबान मिलिटेंट्स कन्विक्टेड ऑफ सीवियर क्राइम्स, उनको रिलीज करने की जो प्रोसेस है उसको बेसिकली लोया जिरगा बोलते हैं। तो लोया जिरगा का जो डिसीजन है, ग्रैंड असेंबली का जो डिसीजन है, वो कितना सही है कितना गलत है, इसको डिस्कस करने के लिए होगा। IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स टू गेट 106 ट्रेनर एयरक्राफ्ट, IAF को 106 ट्रेनर एयरक्राफ्ट मिलेंगे। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसको हेड करता है कौन? आपका डिफेंस मिनिस्टर हेड करता है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव किया है डिफेंस प्रोक्योरमेंट को, एंड ये डिफेंस प्रोक्योरमेंट जो होगा इट विल बी नियरली 8722 करोड़, एंड इसमें 106 HTT 40 बेसिक ट्रेनर
एयरक्राफ्ट, बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट लाए जाएंगे फॉर इंडियन एयरफोर्स। अब ये इंडियन एयरफोर्स में जो लाए जाएंगे बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट, इसको किसने बनाया है? इसको हॉल ने बनाया है, HAL ने इसको बनाया है। HAL क्या है? हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड है, इंडियन स्टेट ओन्ड एयरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी है, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इट इज़ अ गवर्नमेंट गवर्नड अंडर द मैनेजमेंट ऑफ इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर गवर्न होता है ये। इस्टेब्लिश हुआ था 1940 में बाय वालचंद हीराचंद जो कि पहले चेयरमैन बने कंपनी के, और 1964 में इसको हॉल बनाया गया। 1964 में बन गई थी, 1840 में ही 1940 में सॉरी 1940 में बन गई थी और हीराचंद वालचंद द्वारा, और 1964 में फिर इसको बना दिया गया आपका हॉल, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और कोई न्यूज़ आइटम है क्या। यहाँ पे तो कोई न्यूज़ आइटम नहीं है। PSG का मैच होने वाला है, तो PSG का अटलांटा से मैच है। लेट्स सी कि पेरिस सेंट जर्मेन का क्या होता है। आई थिंक दे विल विन बिकॉज ऑफ द नेमार एंड एम्बापे, है ना, तो जीतने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं। नेमार इज द मेन प्लेयर आई थिंक पेरिस PSG के थ्रू, बार्सिलोना से लिया था उन्होंने, खरीद लिया था। आंसर्स मैं आपको एक बार बता देता हूँ क्या क्या आंसर्स हैं। पहला क्वेश्चन पूछा था हैबिटेट मॉडल ऑफ एफिशिएंसी इन कंफर्ट, तो याद रखिएगा ये जो है वो टेरी का है, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, याद रखिएगा उसका ये मॉडल है और ये याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन मैंने पूछा था ये स्टेटमेंट किससे रिलेटेड, इसका आंसर है नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये सेंडाई फ्रेमवर्क से रिलेटेड है, ह्यूगो का सक्सेसर है। इकोनॉमिक लॉस को और ह्यूमन लॉस को कम करना है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो है उसको टास्क दिया गया है, तो ये सेंडाई। हाउस अरेस्ट में कौन सा स्टेटमेंट गलत पूछा था, तो पहला बस गलत है क्योंकि ये मेंशनड नहीं है क्रिमिनल लॉ मैनुअल में। सेकंड स्टेटमेंट सही है कि स्टेट को एम्पावरमेंट रहती है कि वो किसी भी बिल्डिंग को सब जेल डिक्लेयर कर दे, एंड सब जेल के जो रेसिडेंट रहते हैं वो ऑटोमेटिकली अंडर डिटेंशन माने जाते हैं। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक्ड आवर वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।